मजीद इस्तीफों की मंजूरी पर पीटीआई के पार्लियामेंट इजलास में कल प्लीज शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में पीटीआई अरकान पैदल ही पार्लियामेंट पहुंच गए, लेकिन पार्लियामेंट हाउस का मरकजी दरवाजा बंद कर दिया गया और पीटीआई अरकान की स्पीकर राजा परवेज अशरफ से मुलाकात की कोशिश भी नाकाम हो गई। मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमाओं ने मुस्तकबिल में बनने वाली निगरान हुकूमत को ना मानने का ऐलान कर दिया। असद कैसर ने कहा कि हमारा मुतालबा है तमाम अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जाएं, जबकि शाह महमूद कुरैशी ने कहा स्पीकर ने अपने अमल से साबित कर दिया वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं है। 11 को पहले किया, 35 को फिर किया, 35 को आज किया, फिर भी बचते हैं ना, तो हम आए हैं तसल्ली कर लें। जिनसे उनको पूछना है कि उन्होंने अपनी सवाबदीद पर अपनी मंशा के मुताबिक इस्तीफा दिया या दबाव के तहत दिया है, स्पीकर साहब तसल्ली कर लें। स्पीकर साहब अपने मौकफ से बदलते रहते हैं, उन्हें नया मौकफ अपनाया है और बदकिस्मती से उन्होंने इस ऑफिस की आज जो है ना उसके तकद्दस को पामाल किया है। जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस का जो उनका रोल था आज उन्होंने उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया है। आज उनका बिहेवियर पार्टिजन है, वो आलाकार बने हुए हैं, वो इस्तेमाल हो रहे हैं।